नमस्कार। आज हम जिस सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं उसका पालन बहुत लोग नहीं करते हैं, और वो सॉफ्ट स्किल है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए, जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो अगले 7 साल में नेचर उसको उतनी चीज़ें सिखा देता है जो उसको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और उसको आगे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम स्कूल आते हैं और स्कूल में भी अगले 7 साल यानी 14 साल में हमें वो सब भी सिखा दिया जाता है जो हमें रोजी रोटी कमाने के लिए आवश्यक होता है। तो 14 साल के बाद 21 साल में हम वो स्किल्स सीखते हैं जो हमें मास्लो के पिरामिड में एक स्टेप और दो स्टेप ऊपर ले जाता है, जहाँ हम सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जहाँ अपना व्यक्तित्व डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ हम अपने पैरामीटर पर सफल होना चाहते हैं। पर बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है, वो तब तक ही पढ़ते हैं जब तक वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज ख़त्म करने के बाद जैसे ही वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, सबसे पहला काम वो पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है जो आज की जनरेशन में हो रहा है, ये हर जनरेशन में होता रहा है। हमारी जनरेशन में भी यही था कि जैसे ही आप कोई नौकरी काम धंधा करने लगे, सबसे पहले आपने काम किया कि आपने अपने आप लर्निंग प्रोसेस को बंद कर दिया, क्योंकि आप अब जान गए कि अब मुझे रोजी रोटी की समस्या नहीं है, मैं रोजगार पा चुका हूँ, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी एक बात की वजह से जो जनरेशन गैप पैदा होता है, वो आप रोज़ परिवार में, मित्रों के बीच में, सोसाइटी में देखते हैं। हम कहते रहे हैं कि अभी कलयुग है, इसलिए बच्चे अपनी पिता की बात नहीं मानते हैं, या जो अब एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने बॉस की बात उतनी नहीं मानते हैं, जूनियर सीनियर की बात नहीं मानते हैं। तो ये बात हर पीढ़ी में होती रही है और उसका कारण है उनकी स्किल गैप। क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जब सतयुग था तब बच्चे बहुत अच्छे थे, वो अपनी बाप की बहुत इज्जत करते थे। त्रेता युग में रामायण लिखी गई, जहाँ राम ने अपनी पिताजी की अक्षरशा बात मानी, पालन किया और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से ढाला, वनवास में गए। केवल बात ही तो थी। तो उस समय और आज की पीढ़ी में क्या फर्क हुआ? मेरा ऐसा मानना है कि जो उस समय की पीढ़ी थी, उस समय पुत्र पिता का ही काम करता था, तो पिता को 3 एडवांटेज थे। एक एडवांटेज ये था कि वो अपने पुत्र से 20-25 साल बड़ा होता था। दूसरा एडवांटेज ये था कि जो स्किल या जो बिजनेस वो कर रहा है, उसमें उसने 10-15 साल का प्रैक्टिकल अनुभव भी है। और तीसरा एडवांटेज था कि वो अपने बच्चे को वही स्किल सिखा रहा है, तो वो पिता के साथ साथ उसका गुरु भी है। तो जो बच्चा अपने पिता से स्किल सीखता था, वो कभी भी पिता के स्तर का अनुभव नहीं ला पाता था, और इसीलिए वो उनकी बात मानता था। अभी हमने अपने बाद की जो पीढ़ियाँ देखी हैं, उसमें हमने बहुत माइन्यूटली ये ऑब्ज़र्व किया है कि सामान्यतः बच्चे ना तो वो विषय पढ़ते हैं जो उनके पिताजी ने पढ़े हैं,
और ना जो काम करते हैं जो उनके पिताजी करते रहे। बच्चे अलग ही सब्जेक्ट लेते हैं और बच्चे अलग ही क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति की वजह से बच्चों का जो स्किल है, जो बाद वाली जनरेशन का स्किल है, वो पिछली जनरेशन से यानी पिता की या दादा की जनरेशन से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए विषय आ गए, नए तरीके से पढ़ाने का तरीका हो गया जो दादा ने या पिता ने नहीं सीखा है, और चूंकि उनने स्किल अपग्रेड करना बंद कर दिया है तो वो बच्चों के लेवल पर नहीं आ पाते हैं। आज जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है और हर परिवार में देखते हैं, तो हर पुरानी पीढ़ी का आदमी अपने अगली पीढ़ी पर डिपेंड करता है कि वो उसके मोबाइल में सेटिंग करे, वो उसको सिखाए, सोशल मीडिया सिखाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिखाए। तो ये वो क्यों करवा रहा है या क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। तो इसी तरह कंपनीज़ में होता है, स्टूडेंट्स में होता है कि कंपनी जब किसी को रिक्रूट करती है तो वो ये देखती है कि क्या इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्किल है, ये हमेशा नया सीखने के लिए तैयार है। यदि कोई नया स्टूडेंट अपनी CV में ये लिखता है, उसको प्रूफ करता है कि उसने कौन कौन सी नई स्किल सीखी हैं, किस तरह से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकता है, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ जाती है। जिनमें ये सॉफ्ट स्किल नहीं होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी उतनी ही घट जाती है। इसी तरह जब कोई कंपनी आपको रिक्रूट कर लेती है तो जो लोग लगातार सीखने की कोशिश करते हैं वो तेज़ी से प्रमोशन पाते हैं, अपने करियर में तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं उनका करियर स्टैग्नेट हो जाता है, वहीं रुक जाता है। तो ये जो आज हम सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, ये केवल कॉलेज स्कूल की बात नहीं है, या ये केवल नौकरी या बिजनेस शुरू करने तक की बात नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने आज से कहा आपसे, आज टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है, इतनी फास्ट बदल रही है कि आप एक सीख पाते हैं कि दूसरा वर्जन उसका आ जाता है। 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 15, 16 वर्जन तक आज चीज़ों के चल रहे हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आज मोबाइल फ़ोन ही 15-16 साल में हर साल नए मॉडल्स आते हैं, तो उनमें टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके उपयोग करने का तरीका बदलता है। तो अगर आप रिलेवेंट रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल को बढ़ाना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। देखिए, जो उम्र बढ़ती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ है। जैसे बीज जब बोते हैं तो पेड़ बनता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और फिर पेड़ सूख के गिर जाता है। इसी तरह जब मनुष्य का गर्भाधान होता है तो बच्चा पैदा होता है, फिर युवा होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर बुज़ुर्ग होता है और समाप्त हो जाता है। तो ये जो शरीर की ग्रोथ हो रही है, इससे ज़रूरी नहीं है कि उसकी मानसिक ग्रोथ भी हुई हो। ये जो लाइफ लॉन्ग स्किल की बात है, ये मानसिक ग्रोथ की बात है। ये कैसे आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो कई लोग जैसे कहते हैं, अरे तुम क्या समझते, मैंने अपने बाल क्या धूप में सफ़ेद किए हैं। तो अगर आपने अपनी मानसिक क्षमता को नहीं बढ़ाया है तो निश्चित ही आपने धूप में ही सफ़ेद किए हैं। बाल सफ़ेद होने से कोई ये नहीं है कि आप में कोई बहुत बड़ी विजडम आ गई है। विजडम कब आएगी? जब आप लाइफ लॉन्ग स्किल, सीखने की स्किल को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो ये कर पाते हैं? ये लोग हैं जिन्हें क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव होते हैं। आप देखिए, कोई
पेंटर है, फोटोग्राफर है, फिल्म बना रहा है, कहानी लिख रहा है, एक्टिंग कर रहा है, या कोई बिजनेसमैन है, वो निरंतर क्रिएट करता है, क्रिएटिव रहता है, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है, नए नए स्किल को सीखता है, नए तरीके से काम करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। तो जिनमें क्रिएटिविटी होती है वो निरंतर सीखते हैं। दूसरी चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग। ये शब्द आप बार बार हर वीडियो में सुनते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप एक वो हो सकते हैं जो कोई समस्या देखें और भूल जाएं, उसके ऊपर बात करें, बहस करें, पर कुछ काम नहीं करें। और दूसरा ये होता है कि आप उसको एनालाइज करें, एक अलग संदर्भ में सोचें और फिर उसका कुछ हल निकालें। फिर लीडरशिप स्किल, जिनमें लीडरशिप स्किल होती है, लीडर वही बना रह सकता है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल जानता है। अगर लीडर रिडंडेंट हो गया है, वो स्टैग्नेट हो गया है, उसकी मानसिक कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो फॉलोअर्स उसको छोड़ देते हैं, वो उनके साथ नहीं रहेंगे। जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो वही बन सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल पे काम करते हैं, अदरवाइज आप ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब डेटा का ज़माना है, तो जो लोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जानते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अभी आप देखिए कि जो चीज़ें पहले आपको पूरी ज़िंदगी में पता होती थी, वो आप इंटरनेट कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपको तत्काल उपलब्ध हैं। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज आपके पास है कि आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और इस अतिरिक्त जानकारी का जो अतिरिक्त है, इसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बहुत सारे स्ट्रेस, कंपैरिजन, ये सब आने लगे हैं। बहुत सारे लोग अवसाद में चले जाते हैं, नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको उनका दिमाग लगातार जानकारी दे रहा है। आप टीवी देखते हैं, आप नेट सर्च करते हैं, मोबाइल पे आता है, मैसेज आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट करना आज आधुनिक मानव के लिए एक बहुत ज़रूरी स्किल है। आप जानते हैं, जब गीता में कृष्ण अर्जुन को अपनी व्यापकता के बारे में बता रहे थे और अर्जुन को भरोसा नहीं हो रहा था, तो कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया कि सब चीज़ें वहाँ से प्रारंभ हो रही हैं और वहीं समाप्त हो रही हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो इतनी ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन आई तो अर्जुन घबरा गया और अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि ये इतनी जानकारी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपने नॉर्मल स्वरूप में ही आ जाइए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन को अगर आप डाइजेस्ट नहीं करते हैं, आप उसका कुछ यूज़ नहीं करते हैं, तो वो आपके माइंड पे एक बर्डन होता है, बोझ बन जाता है, और ये बोझ बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करता है। तो आप इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट कब सीख सकते हैं? जब आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल को कंटिन्यू करते हैं। अडॉप्टेबिलिटी, कौन लोग नई नई चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं? नए प्रोग्राम आते हैं, नए तरीके से लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सामाजिक व्यवहार, बिजनेस, सब बदल रहा है। ई कॉमर्स, ई पेमेंट, सब कुछ बदल गया है। तो अगर आप में अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, आप ये नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप पिछड़ जाएंगे। आपकी इज्जत नहीं होगी, ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगी, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की संभावना नहीं रहेगी। क्यूरिसिटी, आप में लगातार जिज्ञासा होना चाहिए। आप प्रश्न करें, जानें, खोजें, समझें, पढ़ें, देखें। अगर आपकी क्यूरिसिटी मर गई है, आपकी जिज्ञासा मर गई है, आप रोमांचित नहीं होते हैं, आप आश्चर्यचकित नहीं होते हैं किसी चीज़ से,
तो इसका मतलब है आप स्टैग्नेट हो गए हैं, आप रुक गए हैं, आपकी ज़िंदगी रुक गई है। तो हमेशा बच्चे जैसी क्यूरियसिटी होना चाहिए। छोटे बच्चे आप देखिए कितने बबली होते हैं, हर चीज़ पे सवाल उठाते हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, छू के, देख के, उठा के, समझ के। तो ये क्यूरियसिटी किनकी रहती है? जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल को अडॉप्ट करते हैं। और रिफ्लेक्शन, आपकी ज़िंदगी में ये सब दिखना चाहिए, आपकी CV में दिखना चाहिए, आपकी बोलचाल में दिखना चाहिए, आपके इंटरव्यू में दिखना चाहिए कि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि केवल कहने से या CV में शब्द लिखने से नहीं होगा, आपको उसको प्रूफ देना होगा, आपको योग्यता को बताना होगा कि देखिए ये अभी नई टेक्नोलॉजी आई है और मैं अभी जानता हूँ, AI अभी आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, मशीन लर्निंग बढ़ रहा है, जो गैजेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, अब पूरा ग्लोब जो है वो इन्फॉर्मेशन से भी जुड़ गया है। पहले वो पर्यावरण से जुड़ा था, अब वो इन्फॉर्मेशन से भी जुड़ गया। अगर कोई किसी देश में एक घटना होती है और उसका प्रसारण होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है, वहाँ की जनसंख्या पर पड़ता है। आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो आपके विचार, आपके एक्शन, आपके पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो कंपनियां सोशल मीडिया चलाती हैं वो हर क्षण आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अब देखिए, आप नेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करिए, अगली बार उसी के विज्ञापन आपको दिखाना शुरू कर देंगे। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि वो आपके व्यवहार का एनालिसिस करते हैं कि आपके प्रेफरेंस क्या हैं, आप क्या अभी कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, या आप किस चीज़ का को परचेज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो कॉग्निटिव स्किल है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, ये आदमी को कभी बंद नहीं करना चाहिए, ये हमेशा आपको हर क्षेत्र में आगे रखेगा। तो मेरा आप सबसे सुझाव है कि आप इस स्किल को कंटिन्यू करें। कभी भी ज़िंदगी में सीखना ख़त्म नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गलती करें और अपनी परेशानियों से, गलतियों से ही सीखें। आप दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं, आप इतिहास से सीख सकते हैं, आप बायोग्राफी से सीख सकते हैं, आप दूसरे लोगों का बिजनेस देख के सीख सकते हैं कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, आपको वो बिजनेस में गलतियाँ नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपको एक डिफरेंट पर्सनैलिटी देती हैं, आपके व्यक्तित्व में एक अलग आयाम जोड़ती हैं, जो आप दूसरे लोगों से भिन्न काम करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, और ये आपको भीड़ से अलग करती है ये स्किल। तो कभी भी अपनी उम्र का तकाजा मत करिए। आप ये मत कहिए कि आप क्या सीखना है, अब तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब तो हम नौकरी पा गए हैं, अब तो बाल बच्चे हैं उसी में उलझे हुए हैं, ये सब बहानेबाजी है। तो इसी तरह की सॉफ्ट स्किल ई फसल ट्रेनिंग सेंटर कर्मा सेतु सिखाता है। तो आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या प्लेसमेंट चाहते हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आप कर्मा सेतु पर कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ये लाइफ लॉन्ग स्किल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।